जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। फर्स्ट क्लास एकदम मौज। अंकित गुड। सुन ना, अंकित भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मजाक करने लग गए वैसे। हाँ, मगर दिक्कत है जूम पे ही करते। बेटे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 AS 12, और जिसका नंबर है वाह अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। क्या बात बोली है, नाम है AS 12 और जिसका नंबर है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, सक्षम करें। क्या हो रहा है अक्षत, करें कहीं मुझे तो गलत नहीं सुनाई दे रहा? हाँ जी, थैंक यू बताने के लिए। दोबारा से बोलता हूँ बेटे, जिसका नाम है AS 12 और जिसका नंबर है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है जी। आई अब बात ये आती है बेटे, क्या पहली बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स है, RBS में। ठीक है, मुद्दा आता है कि बेटे ग्रांट किसे कहते हैं, ग्रांट किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ग्रांट का मतलब कुछ भी नहीं है, ग्रांट का मतलब है सहायता, असिस्टेंस। क्या है बच्चे? असिस्टेंस। असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ काइंड भी हो सकती है। मतलब कहने का यह है कि जो असिस्टेंस है, अब आगे नाम है गवर्नमेंट ग्रांट, तो असिस्टेंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा वो नगद भी हो सकती है और उधार वो नगद भी हो सकती है और जी काइंड में भी हो सकती है, उधार भी हो सकती है। ठीक, चले काइंड में भी हो सकती है। तो आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है। सर क्यों करनी है अकाउंटिंग? पहली बात तो ऑब्जेक्टिव समझिए, इस एस का ऑब्जेक्टिव क्या है। खुद सोचो बेटे, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर मुझे कहीं से असिस्टेंस मिली है, मुझे कहीं से बेटे क्या मिली है, सपोर्ट मिली है, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में उसका पंप आ रहा होगा? मान तो बात को, मतलब अगर मुझे असिस्टेंस मिली है कैश में या काइंड में, फाइन, तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मेरी परफॉर्मेंस में वो झलक रहा होगा। बोलो हाँ ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि यूजर का ये जानना जरूरी है कि भाई आपको कितनी असिस्टेंस मिली है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ा है, किसका बच्चे? उन ग्रांट्स का जो आपको मिली है सरकार की तरफ से, राइट? तो इसीलिए इस एएस को पढ़ना लाजमी हो जाता है कि भाई आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिली है, आप ये दर्शाइए कि उसका आपके पीएनएल पर, आपकी बैलेंस शीट पर क्या फर्क पड़ रहा है, सही बात है, ताकि यूजर को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसका बड़ा, इस एएस का, कि हम ये जान सकें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, सही बात है, इन आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई दिक्कत परेशानी? अब मुद्दा आता है सर, ठीक है आपने बताया कि असिस्टेंस होता है ग्रांट का मतलब, और असिस्टेंस आपकी कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? नहीं, नहीं भाई। अच्छा, एक तो थोड़ा सीरियस होकर मत बैठो बेटा, थोड़ा चेहरे पे रिलैक्स होकर चले बच्चे, सोचते एएस बस जीवन नरक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। 40 में से मैं बता रहा हूं, मैं कॉपी दिखाऊंगा आपको बच्चे, 35-35 नंबर बच्चे सिक्योर किए एएस में, कॉपी मतलब आईसीए की सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, उस बच्चे का नाम भी है, मार्क्स की लिस्ट जो दी है ना मैंने, उसमें नाम भी है, गौरव कौशिक, आपके भाई के दोस्त। जी अपनी कॉपी आप भी मंगाइएगा बेटा, अच्छे अच्छे मार्क्स लाइएगा, फिर मैं आपकी कॉपी दिखाऊंगा क्लास में। नहीं नहीं समझने बात को, जैसे एएस 40 मार्क्स का आए बेटा, 40 मार्क्स का आए, तो हमने मार्क्स काउंट कर लिया उसमें कितने आए थे, ठीक है ना। चलो अब मुद्दा ये आता बेटा, क्या ठीक है सर आपने बताया कि असिस्टेंस हो सकती है बेटा आपकी किसमें, कैश और काइंड में, तो अब सर ये भी बता दीजिए गवर्नमेंट कौन सी? तो बेटे गवर्नमेंट का मतलब बस यहाँ ये मत समझना आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट का मतलब किस किस से बचे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है, स्टेट गवर्नमेंट से भी है, लोकल अथॉरिटी से भी है आपके बच्चे, और इंटरनेशनल बॉडी से भी है। सर लोकल अथॉरिटी बताना जरा बेटे, लोकल अथॉरिटी की, हाँ बिल्कुल सही बात है, लोकल अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर दिल्ली की बात करें MCD, बोलो हाँ, नगर निगम समझ लीजिए अपने फरीदाबाद में बेटे MCF, राइट, और इंटरनेशनल बॉडीज की बात करेंगे हम, WHO, नाम सुना आपने? सुना है बेटे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया बेटा, या फिर आप कहें बच्चे क्या IMF हो गया बेटे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो यहां से अगर आपको कोई असिस्टेंस मिली है तो वो भी, हाँ वो भी यहां क्या होगी बेटा, आपकी काउंट होगी, फॉल करेगी, तो गवर्नमेंट को यहां लिया गया बेटे कैसे बेटे, ब्रॉडर सेंस में, राइट। हाँ बोलो, अब मुद्दा आता है बेटे क्या कि सर ठीक है बहुत अच्छी बात बताई आपने, आप ये बताओ आप इस एस को मैं कैसे पढ़ाने वाले हो? पहले मैंने इस एस का रस निचोड़ आपके सामने रखूंगा बेटा, और जब वो निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको लगेगा इस एस में कुछ है ही नहीं, बकवास एकदम, ठीक है ना। आइए निचोड़ रखते हैं आपके सामने, उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है बेटे क्या कि ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा यह डिपेंड करता है इस बात में कि ग्रांट का नेचर क्या है,
ग्रांट का नेचर क्या है? भाई आपको जैसी बीमारी होगी वैसे ही तो दवा खाओगे, सही बात है? हाँ बोलो, आई बात समझ? खुजली होगी तो आइडस सुना लगाओगे, सही बात है? हाँ तो बिल्कुल, तो सिंपल सी बात, सूजन में लगता है आइडस, हाँ, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। तो बात ही आ रही बड़ी क्या, हाँ कितने खुश हैं देखो, बात ही आ रही बड़ी क्या कि जिस ग्रांट का जो नेचर होगा उसका ट्रीटमेंट बेटे उस प्रकार से होगा। सर जैसे बताना कोई, सबसे पहले बात करते हैं बेटे क्या, ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट, ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट, कि अगर मुझे ग्रांट मिली है कैसे बेटा, हाँ किसी एसेट के लिए, स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए बच्चे, फाइन, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ग्रांट मिली है ना आपको फिक्स एसेट के लिए, उसे फिक्स एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो, और फिर जो घटी हुई वैल्यू आ रही है फिक्स एसेट की उस पर डेप्शन लगा दो। क्या लगा दो? उस पर डेप्शन लगा दो, अगर एसेट डेप्शियबल है तो कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। तो पहला क्या बोला मैंने आपसे कि भाई आपको अगर ग्रांट मिली है, ग्रांट मिली है तो उस केस में आप क्या कीजिए बेटा, उस केस में उस ग्रांट को आप असर की कॉस्ट में से घटा सकते हैं। और भी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है, समय पे बताऊंगा आपको बच्चे। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ग्रांट किस तरह मिली है, कि हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमें सहायता दी है, जिसमें क्या हो रहा है बेटा, वो हमारी कॉस्ट का, फिक्स्ड की कॉस्ट का एक पार्ट क्या कर रही है बच्चे, फाइनेंस कर रही है, मतलब हमें वो पैसे दे रही है, उसके कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो उस केस में हम कह रहे हैं कि भाई जो भी ग्रांट आपको मिली है उसको क्या कीजिए बेटा, असर में से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका इसी में और क्या है, सुनना बहुत ही मजा आएगा आपको। दूसरा तरीका यह है, कहते कि ना 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 ना, ना। असर की कॉस्ट में से माइनस मत करो, बल्कि आप क्या कीजिए, हाँ आप उस असेट को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाइए, और जैसे जैसे असेट पर आप डेप्शन लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे उस ग्रांट को अपनी इनकम बनाते जाइए, अमोर्टाइज करते जाइए। सर क्या बात बोल दी आपने, सुनना बेटे, और एक बार में ना समझ में आया तो नाम बदल देना। मान लीजिए असेट की कॉस्ट है 100 रुपए, और ग्रांट मिली आपको 20% उसका कॉस्ट का, 20 रुपए की ग्रांट मिली है बेटा, असेट की यूजफुल लाइफ है कितनी बच्चे, 10 साल, कितनी है 10 साल, मान लीजिए 10 साल है, 10 साल है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप पहली अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जहां पर आप असेट की कॉस्ट में से ग्रांट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताइए असेट की वैल्यू क्या रह गई बच्चे, 80 रह गई, 100 में से आपने 20 घटाया, उन्होंने कैलसी उठा ली, देखो हथियार उठा ली, 100 में से 20 घटाने के लिए कैलसी उठा ली बच्चे ने, हाँ मैं पीछे बात कर रहा हूं आमिर भाई की, और ये वो बच्चे हैं जिनके 300+ आए फाउंडेशन में। चलो क्या होगा, 100 में से क्या किया, 20 घटा दिया आपने, 100 में से 20 घटा दिया आपने, क्या वैल्यू आ गई बेटा, 80 आ गई, 80 आ गई। अब इस 80 पे डैप लगाई बेटे 10 साल तक, 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए और 8 रुपए। हाँ बोलो श्वेता, हाँ बोलो श्वेता, मैं कहीं और, हाँ बोल चुकी हूँ, यहाँ कैसे अकाउंट्स के बारे में बेटा, ठीक, चलो कह रहे मैं शास्त्री पाक में, हाँ बोल चुकी हूँ, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं, गुड। ये अप्रोच समझ में आई मुझे चैट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे, पहली अप्रोच समझ में आई बेटा कि 8 रुपए डैप लग रहा है, कॉल कर लिया करो हमें, मीडियम बदल जाएगा। एक बच्चे ने कुछ बोला है पता नहीं क्या, सक्षम मुझे समझ नहीं आया, अच्छा 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 बिल्कुल समझ में आई ये बात, सब बच्चों ने थम्स अप भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ज्योति यादव लंबा चौड़ा मैसेज भेज रही है, यस सर आई लव द वे यू टीच, थैंक यू ज्योति। अब आगे सुनो बेटा, दूसरी अप्रोच, हम कह रहे हैं कि असर को किस पे दिखाइए, हाँ असर को लायबिलिटी साइड दिखाइए, वाह बहुत बढ़िया शाबाश, हाँ असेट को 100 रुपए पे दिखाइए असेट साइड, ठीक है ना, और ग्रांट जो 20 रुपए की ग्रांट है, जो 20 रुपए की ग्रांट है उसको बैलेंस शीट में कहां दिखाइए, लायबिलिटी साइड दिखाइए, लायबिलिटी साइड दिखाइए, और धीरे धीरे अब की बार जब असेट की लाइफ है 10 साल ही बेटा, असेट की लाइफ 10 साल है, तो क्या मैं कहता हूं जो डैप लगेगा वो 10 रुपए लगेगा, यानी कि पीएनएल पे दबाव पड़ेगा डेबिट साइड 10 रुपए का, बोलो हाँ, साथ साथ वहीं से पीछे से आवाज आएगी, तू चल मैं आई, ग्रांट जो है कितने रुपए की, 20 रुपए की, वो भी 10 साल में अमोर्टाइज होगी, तो 2-2 रुपए पीएनएल में क्रेडिट छट जाएगा, हाँ बोलो। तो आप बताइए बेटे क्या मैं कह सकता हूँ, पीएनएल में दबाव अभी भी 8 रुपए पड़ा, पहले भी 8 पड़ा था और अभी कितना पड़ा, 8 पड़ा। सुमित कंफ्यूज है कुछ नहीं, अगर मच मगर मस्त लगाना पड़ेगा आपको, कंफ्यूजन है कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन, हाँ जी क्लियर है। तो क्या कह रहा हूं दोबारा से कि मेरी कॉस्ट कितनी थी बेटा, 100 रुपए थी, उस पर डैप लगा रहे हो आप बेटा, तो पीएल में डैप हर साल 10 10 10 10 जाएगा, और आपने अपनी ग्रांट को, जो ग्रांट मिली आपको कितने रुपए,
बीस रुपए, उस बीस को कहां दिखाया आपने? हाँ जी, उसको दिखाया आपने लायबिलिटी साइड। तो क्या मैं कह सकता हूं, बीस को अगर आप दस साल में अमोर्टाइज करेंगे, दो, तो अपनी लायबिलिटीज को आप क्या बना रहे हो बेटा? अपनी आप इनकम बना रहे हो, सही बात है, बोलो हाँ। तो बताइए, डेबिट साइड में दस रुपए, क्रेडिट साइड में दो रुपए, तो पीएल में कितने गए? डेबिट साइड कितने गए? और पहले कितने जा रहे थे? पहले वाले केस में कितने जा रहे थे? पहले भी 8,000 थे। हाँ बोलो। तो क्या मैं कह सकता हूं, दोनों काम करने के अलग तरीके हैं, बट जिससे हमारा पीएल पे इंपैक्ट सेम पड़ रहा है, राइट? तो ध्यान रखना, दोनों अप्रोच है बेटा। एक डिडक्टिव अप्रोच है, जहां पर आप क्या कर लेते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं असर की कॉस्ट में से। दूसरा बेटे क्या है, डेफर्ड ग्रांट की अप्रोच है, कि जहां पर आप ग्रांट को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं और उसे ओवर द पीरियड क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? बात समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में फटाफट से हाँ लिख के भेजें, जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मुझे बताइए। सारी बात समझ में आई है? सर हमें इसे पढ़ के दिखाओ, करा के दिखाओ। पहले मैं आपको समरी कराऊंगा और आपको समरी में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो बताना बेटे, पैसे वापस। ठीक, देखे सर। हाँ, और इसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन हम YouTube पे भी डाल देंगे बेटे, ताकि बच्चों का भला हो जाए, फटाफट से बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, थोड़े से में काम हो जाए हमारा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है ना? पढ़ेगा क्या कहता है, ग्रांट मींस असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड फॉर द पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंसेस विद अ सर्टेन कंडीशंस। भाई ये थोड़ी ना है कि ग्रांट लिया आपने और जेब में रख लिया, हाँ हम कुछ नहीं कर रहे, अब बस खत्म कहानी। आपको ग्रांट मिलेगी तो किसी पर्पस से मिलेगी और आपको पर्पस पूरा करना पड़ेगा, बोलो हाँ। ऐसा हो सकता है कि पर्पस आप पहले पूरा कर चुके हो तो मिल रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप पर्पस फ्यूचर में पूरा करोगे तो मिल रही है बेटा, सही बात है जी। तो क्या बोल रहे, ग्रांट मींस असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड फॉर द पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंसेस विद सर्टेन कंडीशंस। अब गवर्नमेंट का मतलब क्या है? हमने कहा गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल बॉडीज, बताया मैंने आपको एमसीडीज, एमसीएफ, नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें सबसे पहली बात आती है बेटे क्या, कि ग्रांट कितने प्रकार की होती है। तो प्लीज आप सबको मत देखिएगा, जो पढ़ा रहा हूं पहले उन पर फोकस कीजिएगा। पहला, ग्रांट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट, ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट। क्या बोला है बेटा, एग्जाम्पल देखिएगा, अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, हमारी मशीन की जो भी हमने 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया, उसका एक पार्ट इज गिवन एज ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बेटे ग्रांट के रूप में हमें से दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं बेटा। आइए, दो अप्रोच है, कौन कौन सी दो अप्रोच है बेटा? पहली अप्रोच और दूसरी अप्रोच। वाह, कहते हैं कि ग्रांट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट। पहली अप्रोच देखो क्या कहती है, डिडक्ट सच ग्रांट फ्रॉम किससे बेटा, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। आप असेट की कॉस्ट में से क्या कर दीजिए बेटा, माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? पक्का? पक्का, अच्छा। तो क्या कह रहे बेटा, जैसे मान लीजिए सारे फिगर्स करोड़ में है, ठीक है ना, हमने कोई फिक्स्ड परचेस की 100 करोड़ की बेटा, तो एंट्री यही तो बनेगी, फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो हाँ। प्लीज बेटा इस पे नजर मत डालिएगा, ठीक, एंट्री बनेगी फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, कितने रुपए से? 100 करोड़ रुपए से, और वो 100 करोड़ का 40% हमें गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव हुआ बेटा, कितना? 40%। कितने परसेंट रिसीव हुआ बेटा? 40%। दिख नहीं रहा मतलब, रंग पहचान अब नहीं आ रहे, अभी भी हो रहे हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा तो मैं क्या बोलूं बेटे, सर ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दो। ओके, अब ठीक है बेटे, ब्राइटनेस देखने एक बार। एक तो ये चेहरे का नूर है ना मेरा, अब ठीक है बताइए, हैंडसम होने के भी बहुत सारे नुकसान है बेटे। कह रहे हैं हाँ सर काजल लगाया करो आप, कह रहे मिट्टी ले आए नीचे से हम। अब ठीक है बेटे मुझे बताइए, सक्षम पढ़ रहा है रोहतक, बढ़ रहा है रोहतक, वो बहुत बढ़िया, चलो हाँ। क्या कह रहे हैं बेटे, अभी नहीं, हेलो बैठो यहाँ पे, नाला कंसेप्ट चलते थे क्लास, अच्छा फैन के लिए, हाँ फिर जाओ, मैं सोचा अब हाँ मैं सोचा कंसेप्ट बहाने जा रहे हो आप, चलो बैठो। ध्यान, जब भी आपको क्लास के बीच में जाना होता ना तो प्लीज थोड़ा देख करो माहौल क्या चल रहा है, जब नोटिंग का टाइम है तब आप जा सकते हैं, मुझे समझने का टाइम तब जाओगे क्या फायदा, ठीक है ना, आई बात समझ। पढ़ो ध्यान से, क्या कहते हैं, कहते हैं फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने एंट्री का डाली 100 करोड़ 100 करोड़ से, कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या हुआ, कह रहे कि 40% आपको क्या मिली है बच्चे, इसका ग्रांट मिली है बेटा, फाइन। मुझे एक बात बताइए, ग्रांट मिली है तो पैसा आएगा जाएगा? आएगा बेटा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट,
कोई दिक्कत तो नहीं, कितनी मिलेगी बेटा? 100 करोड़ का 40%, 40 करोड़। तो बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, ये रही बेटे प्लीज मेरी 40 करोड़। बोलो हाँ। पहला अप्रोच मैं ये कह रहा हूं बेटा आपसे कि आपको इस गवर्नमेंट ग्रांट को, जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है बेटा, फाइन, उसको असेट में से माइनस करना है। तो पहले तो आपने एंट्री की फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 करोड़ से, तो यहां फिक्स्ड बेटा आ रही कितने से? 100 करोड़ से। बट जैसी आपको ग्रांट मिली तो आप कह रहे हो मैं इस ग्रांट को घटाऊंगा असेट की कॉस्ट में से। ग्रांट को जब घटाओगे असेट की कॉस्ट में से, तो क्या मतलब ग्रांट डेबिट हो जाएगी और फिक्स एसेट बेटे मेरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। और सब बोला करो बेटे, जब आप खुद से ना पहली बार जब खुद से आप बताते हैं तो चीजें आपके माइंड में सीमेंटेड हो जाती है, ध्यान रखना बेटा, सबकॉन्शियस में सेव हो जाती है, क्योंकि खुद से आप अप्लाई कर रहे हैं माइंड अपना, सीख कर बच्चे। असेट की कॉस्ट को क्या करना है? कम करना है। तो असेट क्रेडिट होगी और मेरी लायबिलिटी खत्म हो रही है बच्चे, क्या होगी बेटा? डेबिट होगी। तो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू फिक्स एसेट, कोई दिक्कत तो नहीं? अब मुझे एक बात बताइए रोहित बेटे, मुझे बताइए कि अब मेरी फिक्स जो 100 करोड़ की यहां पर आ रही थी, अब वो कितने की आएगी बेटा? 100 में से 40 चले गए, 60 की आएगी। बोलो हाँ। 60 की अगर आएगी तो आप क्या, मैं कहता हूं अब इस 60 पे डैप लगाओगे? बोलो हाँ। इस 60 पे आप डैप लगाओगे बेटे, किस बेसिस पर? जितनी इसकी यूजफुल लाइफ है और जितनी इसकी स्क्रैप वैल्यू, उस बेसिस पर। कोई दिक्कत तो नहीं? लेट्स से बेटे मैं कहता हूं कि हर साल 10 ईयर्स की लाइफ है बेटा, हर साल आप बताइए डैप कितना लगाएंगे इसके? इसमें 6 रुपीज लगाएंगे बेटा। 60 को डिवाइड किया आपने किससे? 10 से, तो इट वुड बी 666। पीएल में जो दबाव पड़ेगा कितने का पड़ेगा? 6 का पड़ेगा। मानते हैं बात को? हाँ बोलो। वेरी गुड। अब आ जाइए आगे बच्चे, दूसरा क्या है बेटा? हम कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, हम तो क्या करेंगे ग्रांट को क्या करेंगे? ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करेंगे, असल की कॉस्ट में से नहीं घटाएंगे, अमोर्टाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? अमोर्टाइजेशन। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि हम अपनी ग्रांट को डेफर्ड इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे? डेफर्ड इनकम। बोलना सीखो, क्या मानेंगे बच्चे? डेफर्ड इनकम। हम अपनी ग्रांट को डेफर्ड इनकम मानेंगे और उस डेफर्ड इनकम को धीरे 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 अपनी इनकम बनाते जाएंगे। समझना, डेफर्ड का मतलब क्या होता है? टालना। क्या करना? टालना। डेफरमेंट होता है ना कि हम डेफरमेंट हो गया, पोस्टपोन कर रहे हैं हम, ठीक है? तो हम अपनी ग्रांट को क्या करें बेटे? डेफर्ड इनकम मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। पढ़ना बेटे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे, देखें क्या कह रहे हैं। आपने एसेट खरीदी कितने की? 100 रुपए की। तो ट्रीट द गवर्नमेंट ग्रांट एज डेफर्ड इनकम टू बी अमोर्टाइज ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। प्लीज पढ़ेगा। एंट्री बनेगी बेटे क्या? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो हाँ। फिक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना बेटा आपका? 100 करोड़। और उसके बाद आपको जब ग्रांट मिली बच्चे कितने की? 40 करोड़ की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। बोलो हाँ। वो कह रहा है कि इसको असेट में दिखाओ। बोलो हाँ। और इसको बेटे कहां दिखाओ? लायबिलिटीज में दिखाओ। सर दिखाना, ये लो बेटे ये रहा। अब क्या मैं कहता हूं धीरे धीरे ये पीएल में चार्ज होता चले जाएगा बच्चे, 100 करोड़ रुपए आपके धीरे धीरे पीएल में चार्ज होते चले जाएंगे। बोलो हाँ। हाँ जी, चार्ज होते चले जाएंगे। तो एंट्री क्या मैं कहता हूँ पीएल में हर साल डेबिट सेट जाएगा 10 10 10 10। बोलो हाँ। एंट्री बनेगी डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का चले जी? डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। और फिर जब ये गवर्नमेंट ग्रांट अमोर्टाइज होगी बच्चे, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, टू पीएनएल कि भाई आप गवर्नमेंट ग्रांट को यहां से हटा रहे हो लायबिलिटी से और अपनी इनकम दिखा रहे हो। बेटे बताना, डेप लगा था 100 पे 10 साल पर 10 10 रुपए और 40 ये अमोर्टाइज होगी बेटा 4 4 रुपए। तो क्या मैं कहता हूं अगर आप फील कर पाए तो पीएनएल में डेबिट साइड 10 रुपए आ रहा है, क्रेडिट साइड 4 रुपए आ रहा है। क्या मैं कहता हूं दिल पा तक बताना। अब आपको केस समझ में आ गया होगा कि यहां पर हर साल पीएनएल में 6 रुपए का दबाव पड़ रहा था, यहां भी तो 6 का दबाव पड़ रहा है। नहीं, ये बात समझ में? झूठ बोल रहे हैं आप? पक्का? हाँ चले आगे। आमिर भाई, कुशाग, डन है? चैट बॉक्स में बताइए बेटे सब क्लियर है? नहीं है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटे प्लीज, वेरी वेरी गुड। यस सर, और क्लियर? बहुत बढ़िया भाई शिवम, क्लियर है। चलें, थैंक यू साक्षी, थैंक यू जतिन। ओके, अब अगर मैं बात करूं बेटे फर्स्ट ईयर के एंड की, तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या मैं कहता हूं मेरे पास फिक्स्ड की जो वैल्यू आ रही होगी वो 100 जमा 10 माइनस 10 90 आ रही होगी। और गवर्नमेंट ग्रांट 40 माइनस 4 कितना बेटा आपका? सर सर, आज हमने जीवन में पहली बार देखा कि लायबिलिटी पे अमोर्टाइज होती है। हाँ, आप ये समझें कि आप जैसे जैसे कंडीशन पूरी करते जा रहे हैं, फाइन, वैसे वैसे बेटा अपनी लायबिलिटी को आप अपनी इनकम बनाते जा रहे हैं। क्या बुराई है? क्या बुराई है? क्या बुराई है? कोई दिक्कत नहीं?
पक्का चले आगे, क्या मैं कह सकता हूँ कुछ भी नहीं तो मैचिंग कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, बोलो हाँ एक तरह से कह सकते हैं आप, ये सुनो जी। आइए बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहता हूं, बताना बात लॉजिकल है या इलॉजिकल है। आपने बताया फर्स्ट डे के एंड में इसकी वैल्यू 90 होगी, तो इसकी कितनी होगी? 36। जो कैरिंग अमाउंट आएगा 36 आएगा, बोलो हाँ। तो ये देखिए बेटा, फर्स्ट ईयर के एंड में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सेकंड वाले केस में हमारे यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट आ रही होगी अनअमोर्टाइज पोर्शन, सही बोल रहा हूं अनअमोर्टाइज, क्योंकि जो अमोर्टाइज हो चुका है वो तो पीएल में जा चुका है, राइट? क्या बात है। और यहां कितना बेटा आपका 90 आएगा, नहीं ये बात सुन, पक्का? हाँ बोलो चलें जी। आपके दोस्त कह रहे हैं अगर वहां मेथड डब्ल्यूडीबी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां भी डब्ल्यूडीबी लगा देंगे बच्चे, सही बात है। कैसी बात करते हो, मतलब हम ये कह रहे हैं क्या कि जैसे जैसे आप उसका बर्डन डाल रहे हैं कहां पर, पीएनएल में, वैसे ही वैसे बड़े ग्रांट का जो अमोर्टाइजेशन है उसको भी क्रेडिट करें पीएनएल में। सुमित आपका भी कोई डाउट था? हो गया क्लियर? देखा सब्र का फल मीठा होता है बेटे, ठीक पक्का क्लियर हो गया ना? अच्छा कहने सुमित से बोल रहा हूं कि सब्र का फल मीठा होता है, हाँ जी। उसकी बात करते हैं, ध्यान सुना जी। अब ध्यान, हमारे वहां एक जगह है जिसका नाम है मीठापुर, उसका नाम हमने दिया सुमितपुर, ठीक है ना? हाँ चलो। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट में बेटे दूसरी गवर्नमेंट ग्रांट है कैसी बच्चे आपकी? ग्रांट रिलेटिंग टू रेवेन्यू, ग्रांट रिलेटिंग टू रेवेन्यू, भाई सिंपल सा मतलब, ग्रांट रिलेटिंग टू रेवेन्यू मतलब कि आपके किसी खर्चे से रिलेटेड ग्रांट है। किससे ग्रांट है? खर्चे से रिलेटेड। तो हमने क्या क्या कहा, आइए खर्चे ले रहे थे क्लास, समझ में आ रही थी अच्छे से, अच्छा पढ़ाता हूं मैं, हाँ सीख गया। सुनो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, आप कहां से आते हैं बेटा? संगम विहार, ओके। आपसे एक बात चल रही है मित्र, देखें बात ही चल रही है बेटे क्या कि अगर आपको कोई ग्रांट मिली है किसी खर्चे को करने के लिए बेटा, तो ध्यान रखना बेटे क्या, जैसे जैसे आप खर्चा करते जाओगे ना उस ग्रांट को अपनी इनकम मानते जाओ, सिंपल। मतलब जैसे जैसे आप खर्चा करते जाओगे वैसे वैसे उस ग्रांट को क्या मानते जाइए बेटा, अपनी इनकम। खर्चा पूरा कर दिया पूरी इनकम मान लो, क्या दिक्कत है? आई बात समझ? बिल्कुल लॉजिकल है, इसे बुरा क्या है? सर कोई एग्जाम्पल देना, मैं एग्जाम्पल क्या आपको केस देता हूं बड़े सीधा, टेंशन मत लो आप, सारी बातें ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे बस देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। सर दिखाने जरा एक बार क्या बोलना चाह रहे हो आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा, चलो ये लो बेटा पढ़ो, इसे क्या कहते हैं, कह रहे 35 लाख रुपए रिसीव हुए किससे बच्चे? हाँ लोकल नहीं बेटा, लोकल अथॉरिटी से, ठीक है ना? कह रहा 35 लाख रुपए रिसीव हुए एक लोकल अथॉरिटी से फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू इंप्लॉइज। तो क्या मैं कहता हूं आप अपने इंप्लॉइज को मेडिकल फैसिलिटीज जैसे जैसे प्रोवाइड करते जा रहे हैं आपकी पॉकेट से खर्चा हो रहा होगा, बोलो हाँ। तो वैसे वैसे ही इस 35 लाख रुपए की ग्रांट को बच्चे अपने पीएल में क्या करते जाए बेटा, क्रेडिट करते जाए, सिंपल सी बात, बोलो है ना? तो क्या हाँ पीएल को क्रेडिट कर देंगे बेटा, फाइन। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप खर्चा करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही इस ग्रांट को अपनी आप इनकम ही मानते जाएं, सही बात है। तो क्या मैं कह सकता हूं, बताना बहुत प्यारी बात बोलूंगा बेटा, कि दैट पर्टिकुलर ग्रांट शुड बी अमोर्टाइज इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड, बोलो है ना, इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड। तो कह रहे बेटे क्या, ग्रांट रिलेटिंग टू रेवेन्यू, इस रेवेन्यू का मतलब ये मत समझ देना बच्चे क्या सिर्फ इनकम से रिलेटेड, आप इसे ये समझिए कि जो ग्रांट आपको मिली है किसी खर्चे को करने के लिए। रेवेन्यू का मतलब पता है वैसे क्या होता है बेटा, पीएनएल अकाउंट, दिस एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या बेटा, एक तरह से पीएनएल अकाउंट। तो कह रहे हैं कि भाई इस ग्रांट को, सच ग्रांट विल बी क्रेडिटेड टू एसपीएल इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड, कोई दिक्कत नहीं, पक्का? हाँ बोल दो, चले आगे। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे बेटा, कई बार ऐसा भी होता है सरकार कहती है आप किसी बैकवर्ड एरिया में क्या कीजिए, प्लांट लगाइए बेटे। हमारे उत्तराखंड में अगर आपको बताऊं, हमारा क्या, हम सबका ही है उत्तराखंड तो, ठीक है ना? हाँ बट हम पहाड़ से हैं तो इसलिए बोल देते हैं कि हम हमारा उत्तराखंड। तो क्या है बच्चे, वहां उत्तराखंड में ना एक जगह है रुद्रपुर, पहले ना लोग रहते नहीं थे बच्चे वहां पर बेटा, जंगल जंगल थे बच्चे, अब वो इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने क्या कहा, कहते कि भाई आप अगर यहां को यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे भाई, कहीं भी अगर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो सबसे पहले बेटे वहां का रोड ट्रांसपोर्ट सुधरता है, बोलो है ना, रोड आती है। और आपको पता होगा मोदी जी भी कहते हैं भाई रोड अगर पहुंच गई तो कनेक्टिविटी बन गई बच्चे, कनेक्टिविटी बन गई तो लोगों का लाइफ स्टाइल अपने आप ही क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। तो सबसे जरूरी है बेटे क्या, हाँ कनेक्टिविटी। तो हमने कहा कि वहां पर वो जगह थी उत्तराखंड में रुद्रपुर,
तो रुद्रपुर में क्या बना, सरकार ने बोला कि आप आइए, हम जो भी आप, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ, आप जो भी क्या करेंगे, अपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो भी यूनिट आप लगाएंगे उसमें 20% की हिस्सेदारी किसकी होगी, जो हमारी होगी, मतलब हम पैसा लगाएंगे 20%। ऑनरशिप नहीं ले रहे वो, बट ओनर की तरह क्या लगा रहे हैं बेटा, पैसा लगा रहे हैं। प्रमोटर नहीं बन रहे हैं वो, बट प्रमोटर की तरह क्या लगा रहे हैं बच्चे, पैसा लगा रहे हैं। तो प्लीज इसे कहते हैं ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्या मैं कह सकता हूं, प्लीज ये ग्रांट जो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के नेचर की है, फॉर एस्टेब्लिशिंग अ यूनिट इन द बैकवर्ड एरिया, फाइन, ये एक तरह से कैपिटल रिसीट है बेटे। क्या बच्चे? कैपिटल रिसीट है। हमारा AS12 कहता है ये हमारी एक कैपिटल रिसीट है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे बेटे कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में। तो कोई पूछे कि ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया पहले ये बताओ कि जो ग्रांट मिली है, जो सरकार से पैसा मिला है, वो किस वजह से मिला है? क्या वो किसी स्पेसिफिक फिक्सेशन के लिए मिला है? क्या वो किसी खर्चे को पूरा करने के लिए मिला है? क्या वो गवर्नमेंट से मिला है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन? सही बात है ना। अगर ऐसा है तो जैसा ग्रांट होगी वैसा उसका ट्रीटमेंट होगा। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं बेटा, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। ₹100 lakh रिसीव्ड एज सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। बेटे बहुत सारे बैकवर्ड एरिया है बच्चे, अपने नाम सुना होगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा एक जगह है बच्चे, वहां नक्सलियों के हमले होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल है बच्चे। खुद सोचो बेटे, वहां अगर धीरे धीरे करके मतलब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होने लग जाए तो वो जंगल अपने आप ही साफ हो जाएंगे। जंगल अपने आप साफ हो जाएंगे तो नक्सली अपने आप ही साफ हो जाएंगे बच्चे। नहीं बात समझ में? जी। तो कहते हैं ₹100 lakh रिसीव्ड फ्रॉम कहां से बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट से, फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। दिस सब्सिडी इज इन द नेचर ऑफ कैसे बच्चे? प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बेटा इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब ये एक कैपिटल रिसीट है बेटा। कैपिटल रिसीट है, इसे कहां भेजिए बेटा? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाँ बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ये मत समझना कि गवर्नमेंट यहां पर ऑनरशिप ले रही है। ऑनरशिप नहीं ले रही है, बस पैसा इन्फ्यूज कर रही है। सही बात है? हाँ बोलो। हाँ। जी तो क्या कह रहे हैं बेटे? ग्रांट इन द नेचर ऑफ कैसे बच्चे? प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कहते हैं विल बी क्रेडिटेड टू कहां पर बेटा? कैपिटल रिजर्व। आई रिपीट, ये समरी है बेटा, मेन कंटेंट मैं आपको करवाऊंगा क्लास में, मेन पक्का। तो कहते हैं जब गवर्नमेंट खुद नेट इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा प्रमोटर के रूप में इन्वेस्ट करती है, नॉट एज एन ओनर, मालिक के रूप में नहीं। आप ये मत समझते कि वो मालिक, गवर्नमेंट मालिक बनना चाह रही है बच्चे, ऐसा नहीं है। फिर ग्रांट कहां रही? फिर ग्रांट कहां रही बच्चे? सही बात है, कोई दिक्कत नहीं? फिर तो इन्वेस्टमेंट हो गई। चले, नॉट एज एन ओनर, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा और सुनो बेटा, कहते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट, हाँ मत, मैंने बताया ना कि ग्रांट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैसे बच्चे? काइंड में भी हो सकती है। आपको पता है टाटा नैनो के बारे में सुना है आपने? टाटा नैनो को ना ममता दी ने बंगाल में बहुत परेशान किया बच्चे, टाटा वालों को बड़े, उन्होंने प्राण लगाया था। जगह है बंगाल में सिंगूर, फाइन। तो क्या हुआ वहां, परेशान किया बच्चे, क्या कि यूनिट एस्टेब्लिश करने में दिक्कत होगी उनको। तो टाटा को अपने ऑपरेशन वहां से क्या करने पड़े बेटे? बंद करने पड़े। फिर मोदी जी ने उनको वेलकम किया गुजरात में, लैंड दी बेटे क्या बच्चे? जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या मैं कहता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लैंड मिली है तो है तो ये भी असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, इन द फॉर्म ऑफ काइंड, इन द फॉर्म ऑफ काइंड। तो अब मुद्दा आता है कि अगर ऐसी कोई ग्रांट मिली है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई ऐसी ग्रांट अगर आपको मिली है जो नॉन मॉनेटरी नेचर की है, फाइन। तो पहली बात, ये ग्रांट दो रूप से मिल सकती है बेटा। या तो कंसेशनल रेट पे आपको असत मिल गई है, सस्ते दामों पर सरकार ने आपको लैंड अवेलेबल करा दिया, या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई है। अगर सरकार ने कोई दाम लिया है, सस्ता लिया है मगर दाम लिया है बच्चे, तो जो भी आपने दाम पे किया है उसके लिए, जो भी आपने एक्विजिशन कॉस्ट पे किया है उस पर आप अपनी असर को दिखाइए, बस। सही बात है। मगर अगर आपको कोई असर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है बच्चे, कोई लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है बेटा, तो उसको दिखाइए बेटे कौन सी वैल्यू पहुंचे? नॉमिनल वैल्यू पर, बस बुक्स में दिखाने के लिए, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पर। वो नॉमिनल वैल्यू ₹100 भी हो सकती है, ₹1000 भी हो सकती है। और आपको चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई ये लैंड इस वैल्यू पे इसलिए आ रही है क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट से मिली है बेटे, कैसे बच्चे? फ्री ऑफ कॉस्ट। सर फिर दिखाई क्यों रहे हो? मैंने क्या बताया आपको बेटे कि इस एस का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो जान सके कि गवर्नमेंट से जो हमें पंप मिला है बच्चे, गवर्नमेंट से जो हमें असिस्टेंस मिली है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, पीएनएल पे और बैलेंस शीट पे। बात समझ में आती है? हाँ बोलो। तो अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है जो किस नेचर की है? नॉन मॉनेटरी नेचर की है बेटा, फाइन। काइंड में मिली है बेटा, फाइन। तो या तो आपने उसके लिए कुछ प्राइस पे किया होगा कंसेशनल,
तो जिस प्राइस जो आपने प्राइस पे किया उस पर आप उस एसेट को दिखाइए, और अगर आपको मिली हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसको दिखाइए कौन सी वैल्यू पर, नॉमिनल वैल्यू पर। बात समझ में आती हो तो चैट बॉक्स में अंगूठा फेंक के मारे फटाफट से बेटा जल्दी। सक्षम कह रही है कैपिटल रिसीट वाली ग्रांट क्या राइट ऑफ नहीं होगी? सक्षम बेटे जो कैपिटल रिजर्व में गई ना, खुद सोचो वो राइट ऑफ क्यों करोगे बेटा आप? सरकार ने पैसा लगाया बच्चे, मालिक जब पैसा लगाते हैं तो एक तरफ क्या आता है बेटा, एक तरफ बेटे प्लीज कैपिटल इंक्रीज होती है और दूसरी तरफ बेटे क्या बच्चे आपके असेट। ठीक है, ठीक है सक्षम, जतिन को समझ में आया, सक्षम को समझ में आ गया, ज्योति के साथ साक्षी को और शिवम को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ जी, उसी नॉमिनल वैल्यू पर बेटा, उसी नॉमिनल वैल्यू पर। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कितनी प्यारी बात बोली आपके दोस्त ने, आपके दोस्त कह रहे हैं कि सर मान लीजिए हमें सरकार से नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली है, आपने कहा कि सर हम एक तरफ तो क्या बढ़ा देंगे, अपनी असर बढ़ा देंगे, दूसरी तरफ बेटे आप अपनी कैपिटल सीट मानते हुए किसी कैपिटल रिजर्व को बढ़ाएंगे बेटा, सही बात है, क्योंकि आपको डबल एस्पेक्ट तो लेना पड़ेगा ना बेटा, पैसे आपकी जेब से जा नहीं रहे बेटा, तो आप कैश को कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है ना, क्लियर बात। तभी तो अमाउंट भी क्या बोला गया है, नॉमिनल। कहते नॉन मॉनेटरी ग्रांट असेट विल बी शोन ऑन एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट, बेटे अगर आपने कंस्ट्रक्शन प्राइस पे किया तो एक्विजिशन कॉस्ट पे बोलो हाँ, और एट कौन सी वैल्यू पर, नॉमिनल वैल्यू पर, इफ रिसीव्ड कैसे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे। बेटे मेरी बात पहुंच रही है आप तक लोगों तक अच्छे से ना, कोई डाउट तो नहीं है? तो हमने कितने प्रकार की ग्रांट डिस्कस कर ली है आपके साथ, ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट बोलो हाँ, दूसरा बेटे ग्रांट, ग्रांट इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू बोलो हाँ, किसी खर्चे को पूरा करने के लिए, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सही बात है, वेयर द गवर्नमेंट प्रमोट, वेयर द गवर्नमेंट इन्फ्यूज द अमाउंट नॉट एज एन ऑनर बट एज अ प्रमोटर विदाउट एनी इंटरेस्ट इन द इक्विटी बोलो है ना। और चौथा बच्चे क्या, नॉन मॉनेटरी ग्रांट वेयर द असेट इज रिसीव इधर एट अ कंसेशन प्राइस और फ्री ऑफ कॉस्ट, सही बात है। एक बात और बेटा, एयर इंडिया का नाम तो आप सबने सुना होगा, एयर इंडिया को ना सरकार ने बचाने के बहुत प्रयास किए बेटा, क्यों? क्योंकि बेटे प्लीज एयर इंडिया के बारे में बोला गया, अब तो पता होगा आपको पास ऑनरशिप किसके पास है जी, एयर इंडिया क्यों? क्योंकि एयर इंडिया को ये माना जाता है कि एयर इंडिया बेटे प्लीज इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। मोदी जी कहीं भी जाते हैं अगर आपने देखा होगा, चाहे यूएस जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, वो एयर इंडिया के उससे ही जाते हैं, देखा बच्चे, देखा होगा आपने बेटा रेड कार्पेट चढ़ने से पहले करते मोदी जी हमारे, सही बात है, क्योंकि वो एयर इंडिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, हमारे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अच्छा, अब उसको बचाने के लिए भाई लॉसेस में चल रही हो, सरकार ने बेटे बार बार क्या किया बच्चे, फाइनेंशियल सपोर्ट दी बेटा, तो इसे कहा जाता है जैसे हम मान लीजिए मैं मुझे मेरे ब्लड की कमी है बेटा, अब ब्लड की कमी है तो मुझे बचाने के लिए मुझे बार बार ब्लड इन्फ्यूज किया जाएगा ना, तो ऐसे ही कुछ ऐसी भी ग्रांट होती है जो लॉस मेकिंग एंटिटीज को बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है बेटे, पैसा इन्फ्यूज किया जाता है, पंप किया जाता है बच्चे, तो हम कहते हैं भाई उसको उसको आपको कहना चाहिए ग्रांट इन द नेचर ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। और ये ग्रांट जानी चाहिए बेटे कहां पर आपकी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, इनकम की तरह बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, सही बात है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट बोला है बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू एसपीएल बच्चे, आपके लॉसेस इतने हैवी हैं बेटा उनको भरने के लिए हम अपनी इस ग्रांट को बेटे कहां लेके जाने बच्चे, एसपीएल में क्रेडिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब एक बात बताइए सर, क्या हम किसी भी ग्रांट का कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मेरी बात ध्यान सुनना, आपको जो ग्रांट मिलेगी वो बताएगा कि क्यों मिली है आपको बच्चे, फाइन, उस हिसाब से उसका काम करना है आपको, पक्का। अब मंदिर दो मिनट दीजिए, एक बात और आती है, मैं इसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा बच्चे, अगर आपको किसी कंडीशन को पूरा करने के लिए कोई ग्रांट मिली थी बच्चे, ग्रांट आपको मिल चुकी है मगर पता ही चला बाद में कि आपने उन कंडीशन को पूरा नहीं किया, तो बेटे वो ग्रांट आपको रिफंड करनी पड़ेगी, ऑब्वियस बात है भाई, आपको जो कंडीशंस पूरी करनी थी आपको, आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की तो आप प्लीज ग्रांट क्या कीजिए बेटा, रिफंड कीजिए। सर कंडीशन जैसे बताना, कोई कंडीशन, कंडीशन ऐसे जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको बेटे प्लीज कितने रुपए मिले थे, 35 लाख रुपए मिले थे बेटे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयज को, आपने मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की बच्चे, आपकी आपकी ग्रांट बेटे प्लीज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ रही थी बच्चे, फाइन। अब सरकार कहती है काम एक साल के अंदर करना था, आपने किया नहीं बेटा, ग्रांट आपको क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखना बेटे ग्रांट रिफंड होगी तो पैसा आएगा जाएगा, पैसा जाएगा, बैंक क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा और डेबिट वो अकाउंट होगा
जो क्रेडिट हुआ था उस समय जब ग्रांट आपको मिली थी, नहीं बात समझ? मतलब कहने का ये क्या भाई, ग्रांट मिली थी तो ग्रांट आपने कहीं ना कहीं तो क्रेडिट की थी। कई बार आपने फिक्स्ड में क्रेडिट की, कई बार आपने पीएनएल में क्रेडिट की, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाली आपने कैपिटलिज्म में क्रेडिट की, सही बात है। इसके अलावा बेटे आपने कई एसपीएल में क्रेडिट की। तो हम ये कह रहे हैं बेटे, जहां भी आपने ग्रांट क्रेडिट की थी या फिर आपने लाइब्रेरी के रूप में दिखाया गवर्नमेंट ग्रांट को बच्चे, सही बात है, जहां भी आपने क्या की थी बेटे, ग्रांट को क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ रिसीट। कल को अगर आपकी ग्रांट रिफंड हो रही है, कल को अगर आपकी ग्रांट क्या हो रही है बच्चे, रिफंड हो रही है, तो वही अकाउंट डेबिट होगा जो क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था एट द टाइम ऑफ रिसीट। नहीं बात समझे? आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं कैसे काम होता है। यहां देखो, यहां मान लीजिए 40 लाख की जो ग्रांट मिली थी आपको रिफंड हो जाती है, जिसको आपने फिक्स्ड में क्रेडिट कर दिया था, तो रिफंड के समय पता है एंट्री क्या बनेगी बच्चे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको फिक्स्ड को 40 से बढ़ाना पड़ेगा, बोलो हाँ, और बैंक को 40 से कम करना पड़ेगा, और फिर जो आपकी बैलेंस यूजफुल लाइफ बची होगी उस पर आपको डेबिशन लगाना पड़ेगा। और ध्यान रखना प्लीज, अगर मान लीजिए केस ये हुआ, लाइफ नहीं बढ़ेगी बेटा, लाइफ तो उतनी रहेगी, हाँ वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डेप्शन जो आएगा आने वाले पीरियड में बढ़ा हुआ आएगा बच्चे। जी बेटा जी, उसको कुछ नहीं करोगे बेटा आप, उसको आप चेंज नहीं, उसको छेड़ोगे भी नहीं, जो पास पे डेप चार्ज करोगे, इट विल नॉट बी रीकैलकुलेटेड, इट विल नॉट बी रीएडजस्टेड, ठीक, जो भी काम होगा प्रोस्पेक्टिवली होगा। चले, आपका हाथ खड़ा था, अच्छा बस बस इधर आइए, इधर देखिए बेटा, अगर मान लीजिए ये ग्रांट रिफंड होती है तो क्या मतलब गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट होगा 40 से, बोलो हाँ, और मजा आएगा देखने, ध्यान सुनना, बहुत मजा आएगा बच्चे। अगर मान लीजिए हमने कुछ भी अमोर्टाइज नहीं किया है और तब रिफंड हुई है बेटा, तो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट होगी कितने से, टू बैंक, अनअमोर्टाइज गवर्नमेंट ग्रांट जो लाइब्रेरी में दिखा रहे हो वो खत्म हो जाएगी टू बैंक 40 से, बोलो हाँ, और फील करना, अप्रिशिएट करना। अगर आपकी हित, आपकी हालत कुछ ऐसी है बेटा, और यहां ग्रांट रिफंड हुई है बच्चे 40 लाख की, फील कीजिएगा प्लीज, यहां अगर 40 लाख की ग्रांट रिफंड हुई है मजा आएगा आपको, तो क्या मैं कह सकता हूं, इसका मतलब 40 में से 4 कहां चला गया, 40 में से 4 कहां चला गया बच्चे, पीएनएल में, कहां चला गया बच्चे, 40 में से 4 क्रेडिट हो गया पीएनएल में, बोलो हाँ। तो अगर आप 40 की रिफंड हो रही है तो सबसे पहले बेटा 4 पीएनएल में डेबिट होंगे, बोलो हाँ, और बाकी जो पोर्शन है बेटा वो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट होगा। नहीं बात समझ में भाई, क्योंकि मैंने अमोर्टाइज की थी, 40 लाख की मुझे ग्रांट मिली थी, उस ग्रेड 2 टुकड़े हो गए बच्चे, फाइन, 36 अभी अनअमोर्टाइज पड़ा हुआ है और 4 पीएनएल में क्रेडिट है बच्चे। अब अगर मुझे रिफंड करना पड़ रहा है, तो हमने तो ये कहा था कि जो रिसीट के समय क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करेंगे, तो यहां तो दो दो चीज क्रेडिट में पड़ी है, एक तो अनअमोर्टाइज गवर्नमेंट ग्रांट पड़ी 36 से और एक पीएनएल पड़ा है बेटे 4 से, तो आप जब रिफंड करेंगे पीएनएल डेबिट होगा 4 से और अनअमोर्टाइज गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट होगा कितने से, 36 से। आप बताइए मेरी बात समझ में आ रही है, अंकित पक्का चैट बॉक्स में बताएं बेटे सारे बच्चे, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, बात पहुंच रही है आप तक, सब बताएं। सक्षम कह रहे हैं असेट की वैल्यू, हाँ असेट में कोई चेंज नहीं आएगा बेटे, यहां पर इस केस में असेट में कोई चेंज नहीं आएगा बेटे, वो 90 ही रहेगी बिल्कुल बेटे। आप एंट्री देखो ना सक्षम, कैसी बात करते हो। चलो साक्षी क्लियर, ज्योति क्लियर, जतिन क्लियर, सब बच्चे बताएं, सक्षम दीपांशु भाई क्लियर, ओके चलें, आओ आओ सुनो ध्यान से। आप कहते हो कि ये थ्योरेटिकल है, अगर रट्टा लगाओगे तो थ्योरेटिकल है, समझोगे नहीं तो थ्योरेटिकल है बेटा, इसमें ऐसा होता है वैसे, हाँ बोलो ना प्लीज। हाँ जी, पीएल में डेबिट कर देंगे ना बेटा, जिस साल, हाँ जिस साल गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हुई है उस साल पीएल में डेबिट कर देंगे, कितना हिस्सा, जितना क्रेडिट हुआ है पीएल में, खत्म कहानी। और मजे की बात, आप बताइए बेटा, ग्रांट हर बार रिफंड होती होगी ऐसे या कभी कभार ऐसा होता होगा, तो मैं इसे क्या बोलूं, ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसलिए आप पढ़ोगे जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे एडवांस अकाउंटिंग में, कि रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के रूप में दिखाना पड़ता है आपको, कैसे दिखाना पड़ता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको यूजर को ढोल बजा के दिखाना पड़ेगा बच्चे, क्या कि देखो मेरी ग्रांट क्या हुई है, रिफंड हुई है, मैंने कंडीशन कंप्लाई नहीं की इस वजह से ऐसा हुआ है, फाइन ये रिफंड हुआ है इतना अमाउंट, मुझे उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के रूप में पीएल में दिखाना पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं, कह के लेंगे, सही बात है, हाँ बोलो, नहीं बात समझ में पक्का। तो रिफंड ऑफ ग्रांट इज नॉट एन ऑर्डिनरी आइटम, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इट विल रिक्वायर अ दैट टाइप ऑफ डिस्क्लोजर इन द पीएनएल सो दैट इट्स इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट कैन बी परसीव्ड।
सही बात है, इसका इफेक्ट कुछ ऐसे दिखाया जाएगा हमारे पीएनएल में ताकि इसका प्रभाव देखा जा सके कि प्रॉफिट पे कितना पड़ रहा है। अब समझ में ठीक चले? हाँ बोलो। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आ जाओ बेटा, ये अगर पीएनएल में क्रेडिट हुआ है, ये अगर पीएनएल में क्रेडिट हुई थी बेटा ग्रांट इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, तो बेटा डेबिट भी के रिफंड के समय क्या होगा? पीएनएल होगा, बैंक क्रेडिट होगा बच्चे, बोलो है ना। ये अगर क्रेडिट हुई थी कैपिटलाइजर में, कैपिटल डेबिट होगा टू बैंक होगा बच्चे, बोलो है ना। अच्छा ये तो नॉमिनल वैल्यू पर आ रही थी बेटा, फाइन क्लियर बात। असेट को ही आप क्या करते हैं बेटे, बुक से फिर हटा देंगे बच्चे, फाइन। कि अगर हमसे वापस रिपोजेस कर ली गई, बुक से हटा दीजिएगा, और क्या करेंगे बेटा। अच्छा कितनी कितनी प्यारी बात बोली आपके दोस्त ने कि सर आप ये वापस कैसे हो सकते हैं अगर उसके ऊपर यूनिट बन गया बच्चे। तो ऑब्वियस ही बात है बेटे, क्या कि आपको जिस पर्पज के लिए ग्रांट मिली आपने पूरी कर दी ना बेटा, फिर वापस उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कहता हूं कि आपको लैंड मिली बेटा, लैंड लेके आपने कुछ नहीं कर रखा, उसमें तंबू गाड़ के सो रहे हो बस खाली, सही बात है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, क्या किया जाएगा आपसे, ठीक है ना। चले हाँ बोलो। हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ और कंडीशन जुड़ी हो जिसको आप पूरा ना करते, उसके लिए गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी ले सकती है बच्चे, वो आपकी पील में चार्ज होगी बेटा फिर, ठीक है ना। शो वैसे ही होगी, वो भी कैसे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम के रूप में। चलो बेटे जो क्रेडिट किया हुआ था उस समय असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलाइजर हुआ था, तो यहां भी क्या होगा, कैपिटलाइजर अकाउंट डेबिट टू असेट होगा, बोलो दोस्त, ठीक है ना। चलो और ये देखो बेटा, जो ग्रांट इन द नेचर ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट थी बेटे, वो क्रेडिट हुई एसपीएल में, वो डेबिट हो जाएगी एसपीएल में। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, क्या कि अगर इस प्रकार की ग्रांट रिफंड हो जाए बच्चे, कुछ नहीं होना बेटा, जो हमारी डब्ल्यूडीबी आ रही है, मान लीजिए तीसरे साल में जाके राइट ऑफ होती है बच्चे, तीसरे साल में जाके गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है बेटा, सॉरी रिफंड होती है, तो पहले साल आपने डैप लगाया होगा 6 का, दूसरे साल 6 का, तीसरे साल 6 का, 42 लाख रुपए वैल्यू आ रही होगी, 42 लाख वैल्यू आ रही, 42 करोड़ सॉरी, 42 हम बड़ी बात करते हैं ना, 42 करोड़ वैल्यू आ रही होगी, 42,000 करोड़, हाँ ये देखो, हाँ बस पढ़ाने, 42 करोड़ वैल्यू आ रही होगी, रिफंड हुई है कितने की, 40 की 40 रिफंड हुई है, 40 गवर्नमेंट ग्रांट 40 की ना बेटा, 40 की 40 रिफंड हुई है बेटा, तो 42 में 40 क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, और अब जो आगे यूजफुल लाइफ बची है उस पर डैप लगेगा बेटा, सही बात है, 7 साल बची है तो 7 साल के हिसाब से लगेगा। आई बात समझ में? दोबारा से बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने क्या किया, असेट में से, असेट के कॉस्ट में से आपने क्या किया, गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली थी वो हटा दी बच्चे, अब डैप आप लगा रहे हो, डैप लगाया आपने कितना बेटा, हर साल 6 लाख 6 करोड़ 6 करोड़, 3 साल लगाया आपने, 3 साल बाद असेट की वैल्यू क्या आ रही होगी, डब्ल्यूडीबी 18 घट गया होगा इसमें से, तो 60 में से 18 गया, 42 करोड़ आ रही होगी बेटा, तीसरे साल के अंत में जाके या चौथे साल की शुरुआत में आपकी ग्रांट रिफंड हो गई, करनी पड़ी रिफंड आपको, तो आपने ग्रांट क्रेडिट कहां की थी, फिक्स एसेट में ना, तो डेबिट भी कहां होगी, तो फिक्स एसेट की वो वैल्यू जो यहां पर 42 आ रही थी 40 से बढ़ जाएगी और 82 हो जाएगी। अब आगे लाइफ कितने साल बची है, 7 साल, तो 82 राइट ऑफ होगा ओवर पीरियड ऑफ 7 ईयर, नहीं ये बात समझ में, पक्का? हाँ बोलो। चले कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा एक बात और बेटे, एक अहम बात और, फिर मैं पॉज लूंगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है बेटा, 36 लाख की क्या बची बेटा, अनमोटाइज गवर्नमेंट ग्रांट बची हुई है, और ऐसे फीस 90 की आ रही बेटा, और ग्रांट का रिफंड होता है लेट्स बेटे कितने का, 30 लाख का, 30 करोड़ का, इस करोड़ में सर फिगर 30 करोड़ का रिफंड होता है, तो मुद्दा यह आता है अगर 30 का हो रहा है, 36 का नहीं हो रहा पूरा बच्चे, 40 का भी नहीं हो रहा पूरा, 30 का अगर क्या हो रहा है बेटे, रिफंड हो रहा है, तो पहले ये डेबिट होगा, पहले क्या डेबिट होगा बच्चे, गवर्नमेंट ग्रांट, ये अनमोटाइज गवर्नमेंट ग्रांट जो लाइबिलिटी में आ रही है, पहले वो डेबिट होगी टू बैंक, टू बैंक। और अगर मान लीजिए आपको पीनल का नंबर लेकर आना कि पीनल कब डेबिट होगा, मेरी बात समझ रहे, मैं क्या बोलना चाहूं, मेरी बात को फील कर पा रहे हैं आप, तो पीएनएल का नंबर तभी आएगा डेबिट होने का जब गवर्नमेंट ग्रांट के रिफंड का अमाउंट 3600 ऊपर होगा। हाँ बोलो। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ग्रांट जो रिफंड हो रही है वो 38 करोड़ की हो रही है, तो 36 करोड़ यहां डेबिट होंगे और 2 पीएनएल में, नहीं बात समझ में, पक्का? हाँ बोल दो जी। चले आगे। आपके दोस्त बोले 36 की बची तो 38 की कैसे रिफंड हो सकती है बेटे, हमने तो अभी पीछे 40 की रिफंड की थी बेटा, 40 की मिली थी, मैं कह रहा हूं 40 की रिफंड हो रही है बेटा, तो 36 यहां डेबिट होगा, और उसका 4 कहां क्रेडिट हुआ था, पीएल में क्रेडिट हुआ था, ठीक है ना। 40 की रिफंड करने में आपको दिक्कत नहीं, 38 में रिफंड में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आया? चले
जितना हिस्सा पीले में जा चुका है वो, बस कहने का मतलब ये है कि इससे ऊपर जो रिफंड होगा वो पीले में डेबिट होगा, चलें, और इतनी लिमिट तक जो रिफंड होगा वो अनअमोर्टाइज्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ही क्या होगा, डेबिट होगा। ये हमारा पूरा एएस की समरी थी। आई होप आप सब बच्चों को बात समझ में आई होगी बेटा। फाइन, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए बेटे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।